नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कन्या राशि वालों। दोस्तों अब आपकी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि वर्षों के बाद आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन के सबसे बड़े सपने सच होने वाले हैं। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो दोस्तों यह खुशखबरी आपको पागल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल में आपका पुराना प्यार वापस मिलने वाले हैं। जीवन काल से आर्थिक तंगियां खत्म होने वाली है। समाज में मान सम्मान जो भी आपके खत्म हुए थे दोस्तों यश में वापस मिलने वाले हैं। जीवन काल से सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का असीम आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल पर पड़ रहे हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में काफी बदलाव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी भगवान श्री कृष्ण किसी भी भक्त के भाग्य को बदलते हैं तो दोस्तों उनके कर्मों को देखते हैं। जी दोस्तों, और यश में आपके कर्मों का हिसाब होगा। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भाग्य बदलने के बाद आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, इन सभी की विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि यश में आपको कौन कौन क्षेत्रों से लाभ मिलने वाले हैं, शादी कौन से बड़े महत्वपूर्ण सावधानियां यश में आपको रखने चाहिए। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सभी लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कटुता है, जलनशीलता है, क्योंकि सभी प्रेम और सम्मान पाना चाहते हैं परंतु देना कोई नहीं चाहता। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो, भगवान श्री कृष्ण का बात अगर आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भाग्य बदलने के बाद अब आपके जीवन काल में कौन कौन सी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि अब आपके मन मुताबिक सफलता आपको मिलने वाली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अच्छा बदलाव आपके जीवन काल पर देखने को मिलेंगे। जय दोस्तों, मैं आपको बता दें कि परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए मेहनत और विश्वास की बस जरूरत होगी। आपको बता दें कि किसी प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मामला रुका हुआ है तो दोस्तों यह समय आने वाले दिनों में उस पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सफलता बहुत ही अच्छी मिलेगी। जय दोस्तों, इस शुरुआत में हम आप सभी को बता दें कि घर के बड़े सदस्यों का परिवार पर स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। आपका अधिकतर समय घर की साज सज्जा तथा रखरखाव संबंधी कार्यों व फिर खरीदारी में व्यतीत होगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल बनने वाले हैं। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी के घर परिवार पर बने रहेंगे। साथी ग्रह गोचर भी बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। कुछ खास लोगों से आपको संबंध बन सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। लव लाइफ आपका बहुत ही यश में सुंदर बना रहेगा। आपको बता दें कि फायदे भी आपको यश में देने वाले हैं। जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी यश में देने वाले हैं। आपके अधिकतर काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे, जिससे मन में आपको बहुत ही प्रसन्नता सुकून रहेगी। वाहन आदि खरीदने की योजना है तो दोस्तों तुरंत अमल करें, यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय साबित होने वाली है। जी दोस्तों, हम आपसी को बता दें कि यश में किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि संबंधी शुभ समाचार भी मिलेगी। घर में खास रिश्तेदारों के आने से चहल पहल का भी माहौल रहेगा और व्यस्तता भरी जिंदगी भी व्यतीत होने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद से आपके जीवन काल में आप अपने व्यक्तित्व का व्यवहार को निखारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप अवश्य सफल होंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यश में लोगों की परवाह न करके
अपने मन मुताबिक कामों पर ध्यान दें। पहले तो सुबह उठेंगे, परंतु आपकी उपलब्धि हासिल होने पर यही लोग आपके पक्ष में भी होंगे। आपकी योग्यता लोगों के सामने खुलकर आने वाली है। आपके जन्मकाल में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में आप भगवान श्री कृष्ण पर यकीन करें। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही खास मंत्र राधे कृष्णा का जाप प्रतिदिन करें। जी दोस्तों, इनसे भगवान श्री कृष्ण का शुरुआत से आप शुभ के जन्मकाल में सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों, मैं आपको बता दें कि निवेश संबंधी कार्यों के लिए समय बहुत ही उत्तम चल रहा है। सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका निस्वार्थ योगदान समाज में आपको सम्मानित भी करेगा। प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। रुके हुए अधिकतर काम यश में बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यश में आप अपने काम पर अधिक ध्यान भी केंद्रित करेंगे और दोस्तों, दिन आपके लिए बहुत ही मनोरंजन भरा रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जैसे कार्यों में भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति अथवा मित्र से मुलाकात होगी। यश में अचानक ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलेंगी, जिनसे आपके विवाह योग्य लोगों के लिए बेहतरीन रिश्ता आने की संभावना है। इसके उपरांत दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपका अधिकारपूर्ण रवैया दूसरों को आहत भी कर सकता है। परंतु मन में कुछ अनहोनी जैसी आशंका होने से भय रहेगा, लेकिन यह मात्र आपका भ्रम ही है, इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों, नौकरी तथा व्यवसाय में नई नई संभावनाएं सामने आएंगी तथा सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलने में आत्मसंतुष्टि अनुभव होगी। दोस्तों, यश में व्यवसाय संबंधी लोन लेते समय अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में यश में कोई खास सफलता नहीं मिलेगी, परंतु दोस्तों, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। यश में कर्मचारियों तथा सहयोगियों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, आप पर कोई झूठा सा आरोप भी यश में लग सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में काम संबंधी कठिनाइयां यश में आपके दूर होंगे, तो दोस्तों, काम के प्रति अपना लगाव यश में आप बनाए रखें। इसके उपरांत दोस्तों, रोजगार संबंधी कार्यों में स्थिरता रहेगी तथा उत्तम लाभ की स्थिति भी यश में बनी रहेगी। दोस्तों, जमीन जायदाद से संबंधित व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील होने की भी संभावना बन रही है। आर्थिक संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती है, परंतु दोस्तों, आप अपने मनोबल के जरिए किसी भी चुनौती से निपटने में भी यश में सक्षम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, घर में उचित सामंजस्य बना रहेगा। विवाद तथा व्यर्थ की कहासुनी से यश में बचें। घर में मेहमानों की आगमन भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यश में घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपना जो है करियर चौपट यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे दोस्तों, पति पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ सामाजिक गतिविधियों तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों, पार्टनर के साथ हो रही बातों का असर आप पर यश में दिख सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर थोड़ा सा अनबन भी होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य यश में ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में और मौसम में बदलाव की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, यश में अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहें।